दोस्तों आज हम आपके पास एक बार फिर से प्यार में पड़े लोग कुछ ऐसी बातें लेकर आए हैं जो कि शायद आपको पसंद आए। तो अगर आपको सच में मेरा आज का वीडियो कुछ पसंद आ जाए तो अपने पार्टनर साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके दिल में कोई छोटी सी भी बात आ जाए तो नीचे एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए फिर चलिए देखते हैं। दोस्तों हम सभी लोग आपस में रिश्तों के द्वारा जुड़े हुए हैं और हमें इन रिश्तों को हमेशा बनाए रखने के लिए इनको समय देना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात तो आप याद रखना दोस्तों कि अगर आप रिश्ते को समय नहीं देते हैं तो समय हमारे बीच में रिश्तों को निकाल देता है। और कुछ रिश्ते तो सिर्फ इसलिए ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि लंबे समय तक उन्हें वक्त नहीं दे पाते हैं। और याद रखिए दोस्तों, रिश्तों को तो बनाना बहुत ही आसान होता है लेकिन उसे हमेशा के लिए निभाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए दोस्तों आप अपने रिश्ते को कभी बिखरने का मौका ना दें और समय समय पर अपने रिश्तों पर हमेशा ध्यान देते रहिए। दोस्तों हम सब ने स्कूल के दिनों में रबड़ और पेंसिल का काफ़ी यूज़ किया है लेकिन दोस्तों ये रबड़ और पेंसिल हमें हमारे जीवन के बारे में बहुत ही कीमती बात सिखाती है। और दोस्तों पेंसिल और रबड़ हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबड़ ही घिस जाए और रबड़ को इतना भी मत घिसो कि जीवन का पन्ना ही फट जाए। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब दो लोगों के बीच में कोई रिश्ता होता है और ख़ास तौर पर अगर दोनों ही लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनमें से कोई एक बात करने के लिए पागलों की तरह वेट कर रहा होता है और हमेशा ही उसे अपने प्यार की फिक्र भी होती है। लेकिन दोस्तों कई बार दूसरा ऐसा होता है कि उसके पास समय ही नहीं होता है कि वो बात कर सके और उसे अपने प्यार की कदर भी बहुत कम होती है। तो दोस्तों रिलेशनशिप में कभी भी आप ऐसी गलती ना करें कि जिसके वजह से आपका रिश्ता टूटने कगार पर ही आ जाए। दोस्तों आजकल हम टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो मैसेज के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। और हमें जब किसी से प्यार हो जाता है और जब उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं तो हमारी ये आदत होती है कि हम लंबा सा मैसेज टाइप करके उसे भेजते हैं और ख़ासतौर पर लड़के ही अक्सर हमेशा लंबा मैसेज टाइप करते हैं। लेकिन दोस्तों फिर बाद में गुस्सा तो उस वक्त आता है जब हम अपने किसी स्पेशल के पास बड़ा सा मैसेज टाइप करके भेजते हैं तो उधर से रिप्लाई में सिर्फ हूँ आता है। दोस्तों प्यार में अक्सर लोग एक दूसरे को आई लव यू बोला करते हैं और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो दिन में कई कई बार अपने पार्टनर को आई लव यू बोलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों प्यार का असली मतलब सिर्फ आई लव यू बोलना ही नहीं होता है क्योंकि एक दूसरे की भावनाओं को समझना और एक दूसरे की केयर करना ही प्यार का सही मतलब होता है। और ऐसे में अगर हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं और सिर्फ एक दूसरे को आई लव यू बोलते रहते हैं तो ऐसे आई लव यू का क्या मतलब। दोस्तों जब हमारी उंगलियों के नाखून बढ़ जाते हैं तो हमेशा हम नाखून ही काटते हैं और कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि हम उंगलियों को ही काट दें ताकि दोबारा नाखून ही ना आए। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से अगर आपके किसी रिश्ते में दरार आ गई है तो आप उस दरार को मिटाइए, उस रिश्ते को नहीं, क्योंकि दोस्तों प्यार के रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं और उन्हें निभाना भी उतना ही मुश्किल होता है। और आखिर में दोस्तों यही कहेंगे कि प्यार तो प्यार ही है, अगर कोई सच्चा प्यार करने वाला होगा तो उसे ज़िंदगी भर प्यार करता ही रहेगा और फिर वो चाहे उसे नाराज़ हो जाए या बेरुखी दिखाए या खामोश हो जाए या जलाए या फिर उसे भूल ही जाए, लेकिन जो किसी सच्चा प्यार करता होगा तो उसे ज़िंदगी में कभी भी ना खत्म होने वाला प्यार उसको दिल से हमेशा करता ही रहेगा।